वीडियो में रेगुलर जो ऑप्शन है बाथरूम सीलिंग के वो आगे रखे गए हैं और जो इनोवेटिव ऑप्शंस हैं वो लास्ट में, तो आप प्लीज ये वीडियो लास्ट तक देखिए। सबसे पहला ऑप्शन है पीवीसी लेमिनेटेड जिप्सम टाइल। इसका इंस्टॉलेशन चार्ज जो है 70 रुपये स्क्वायर फीट है। डिजाइन प्लेन, आप फोटो में देख सकते हो ऐसी प्लेन व्हाइट कलर में इसके डिजाइन आते हैं। हल्के से टेक्सचर में आपको डिफरेंस देखने को मिलता है, ओवरऑल लुक आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। इसके प्रोस में ये है कि ये इकोनॉमिक है, फोल्डेबल है, अगर इसके ऊपर से कोई सर्विसेज गई हो तो आप सीट उठा के कोई भी सर्विस जो भी हो, रिपेयर करना हो, कुछ देखना हो तो आप इजीली देख सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। और ये आइटम मेंटेनेंस फ्री है, 5 to 10 years कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इसका कॉन्स ये है कि ये ह्यूमिडिटी एरिया के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि जहाँ बाथरूम में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, मॉइस्चर ज़्यादा रहता है, तो ये इजीली थोड़ी बैंड हो जाती है, तो थोड़े ही टाइम बाद ये इसका जो लुक है लुक मेंटेन नहीं रहता। तो बाथरूम जैसे एरियो में मेरा ये सजेशन है कि ये सूटेबल नहीं है। अगर मैक की बात करें तो 90% मार्केट में इंपोर्टेड जिप्सम टाइल यूज होती है, और ब्रांडेड अगर आपको यूज करनी हो तो 8mm जिप्रोक्स एंड गोविन की कंपनी की आती है, वो आप यूज कर सकते हैं। फिर इसमें दूसरा ऑप्शन आता है टी ग्रिड। टी ग्रिड इसमें दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपका सेंटर ब्लैक, जो इस फोटो में आप देख सकते हो, ये वाइट रॉक कंपनी की आती है, बहुत ही बेटर क्वालिटी है, लुक वाइज बहुत बेटर है। सेकेंड ऑप्शन जो इसमें है प्लेन ग्रिड। प्लेन ग्रिड काफ़ी पहले टाइम से चल रही है, एक नॉर्मल लुक आ जाता है, लेकिन सेंटर ब्लैक जैसा इसमें लुक नहीं आएगा, तो सेंटर ब्लैक आई वुड सजेस्ट। इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है सीमेंट सीट। इसकी भी कॉस्ट अप्रोक्स 70 to 75 rupees स्क्वायर फीट रहती है, और डिज़ाइन इसमें फोटो में देख सकते हो थोड़े ज़्यादा टेक्सचर होते हैं, प्लेन वाइट कलर में प्राइमर लगी हुई सीट पहले से आती है। इसमें आप जो कलर चाहें वो पेंटिंग करवा सकते हैं, जरूरत नहीं होती है, लेकिन आपको अलग लुक करना हो तो आप वो कलर की पेंटिंग करवा सकते हैं। ये भी इकोनॉमिक है, फोल्डेबल है और मेंटेनेंस फ्री है, जैसे कि लास्ट हमने बताया था। कॉन्स में इसका ये है कि नॉर्मल लुक लेता है, कुछ लग्जरी या कुछ एलिगेंस लुक नहीं मिलता इसमें। और मैक इसमें 3-4 कंपनी है, रामको, एवरेस्ट, वीवो, रिकोब्रो, कोई भी कंपनी का आप ले सकते हैं। और टी ग्रिड आप दोनों, जैसे कि लास्ट मैंने बताया था, कोई भी आप चॉइस कर सकते हैं। सरफेस पेंटेबल है, स्पेसिफिकेशन ये 4mm और 6mm थिकनेस की आती है, मोस्ट प्रिफरेबली 4mm चलती है, सेपर साइड आप चाहें तो 6mm लगा से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है मेटल टाइल सीलिंग। इसकी जो कॉस्ट है 140 rupees पर स्क्वायर फिट अप्रोक्स रेट है। डिजाइन प्लेन रहती है, इसमें ग्रिड के साथ ये जैसे मेटल टाइल रखते हैं तो थोड़ी सी डाउन में आती है, जिसका लुक काफ़ी बेटर हो जाता है कंपेयर टू अदर सीलिंग। और इसका जो सरफेस है एकदम क्लीनेबल है, मेटल GI की ये बनी होती है, तो आप वेरी इजीली इसे क्लीन कर सकते हैं और इसका लुक काफ़ी बेटर बना रहता है। और मैक में काफ़ी कंपनीज है, इसमें इंपॉर्टेंट ये होता है कि थिकनेस आप कौन सी लेते हैं। 0.4-0.5mm की थिकनेस की ये सीट आती है, 0.4 मोस्ट प्रिफरेबली चलती है। और ये पाउडर कोटिंग इसके ऊपर कराई जा सकती है, आप जो भी कलर आप करवाना चाहते हैं उस कलर का पाउडर कोटिंग करवा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है पीवीसी सीट सीलिंग। ये 2x2 2 फीट बाई 2 फीट में आती है साइज, जैसे कि लास्ट में हमने दो ऑप्शन देखे थे वही साइज में। इसकी कॉस्ट है 90 rupees पर स्क्वायर फीट। ये पीवीसी की बनी रहती है और डिजाइन इसमें 10 से 15 डिजाइन के ऑप्शन मिल जाते हैं। इकोनॉमिक, फोल्डेबल, मेंटेनेंस फ्री, सेम लाइक बिफोर। कॉन्स में इसका अभी तक कोई वो है नहीं, मैक इम्पोर्टेड रहती है ये, और ग्रिड आप एज पर चॉइस आप यूज कर सकते हैं। सरफेस इसका पेंटेबल नहीं होता है, पीले से ही जो प्रिंटिंग आएगी डिजाइन वही आपको यूज करनी पड़ेगी। और 7mm थिकनेस में ये सीट आती है। अगर आपको सीलिंग मटेरियल या फिर इंस्टॉलेशन करवाना हो सूरत एरिया में तो हमको आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। नेक्स्ट ऑप्शन है पीओपी सीट सीलिंग। इसकी कॉस्ट 80 rupees स्क्वायर फीट है। डिजाइन सेम लाइक जिप्सम सीलिंग, अप डाउन करके इनडायरेक्ट लाइट्स लगा के आप जो भी डिजाइंस बनानी हो, डिजाइंस के बहुत सारे ऑप्शंस आप इसमें अवेलेबल है, कुछ भी आप बना सकते हैं। प्रोस में इकोनॉमिक है, कॉन्स में इसमें पेंटिंग वर्क एक्स्ट्रा करवाना पड़ता है, फिनिश प्रोडक्ट नहीं है। मैक नॉन ब्रांड है, लोकल मैन्युफैक्चरर द्वारा बनाई जाती है इन एवरी एरिया ऑफ कंट्री। फ्रेमिंग GI फ्रेमिंग की जाती है पहले, फिर POP सीट से उसे फिट कर दिया जाता है। सरफेस पेंटेबल है, स्पेसिफिकेशन में 3 फीट बाई 2 फीट
और इसकी थिकनेस 11 mm रहती है, पीओपी से ये बनी रहती है। नेक्स्ट ऑप्शन है एमआर जिप्सम बोर्ड और ग्लास रॉक एच सीलिंग। इसमें नॉर्मल जिप्सम बोर्ड की जगह एमआर बोर्ड और ग्लास रॉक एच ह्यूमिडिटी और हायर मॉइस्चर एरिया के लिए कंपनी द्वारा ऐसे बोर्ड बनाए गए हैं, वो आप बाथरूम में यूज कर सकते हैं। लुक डिज़ाइन, इसमें जिप्सम सीलिंग की तरह कोई भी डिज़ाइन आप बना सकते हैं और क्रॉस में एलिगेंट लुक है, लुक इसका बहुत बेटर आता है जिप्सम बोर्ड के ऊपर जब पेंटिंग कर दी जाती है तब। कॉन्स में यही है कि पेंटिंग वर्क आपको एक्स्ट्रा करवाना पड़ेगा। मैक, जिप्रोक्स एंड गोबिन एंड यूएसजी बोरल, इन दो ब्रांड के आपको इंडिया में बहुत जिप्सम बोर्ड मिल जाएंगे इस टाइप के। और फ्रेमिंग चॉइस, आपको जीआई फ्रेमिंग करवानी पड़ती है। सरफेस पेंटेबल है, स्पेसिफिकेशन में 12.5 mm के जिप्सम बोर्ड आते हैं 4 feet by 6 feet के। नेक्स्ट ऑप्शन है हाइलेक्स सीलिंग। ये कैल्शियम सिलिकेट बोर्ड होते हैं, रामको कंपनी द्वारा बनाए जाते हैं और इसकी स्ट्रेंथ जो है जिप्सम बोर्ड से कंपेयर करें तो काफ़ी बेटर है और ये प्रोडक्ट भी बाथरूम में इजीली यूज किया जा सकता है। लुक इसका जिप्सम सीलिंग की तरह ही रहेगा और डिज़ाइन आप जो कस्टमाइजेबल है, जो आप चाहें वो जिप्सम की हर सीलिंग पॉसिबल है। यहाँ पे मॉइस्चर प्रूफ है, टर्माइट प्रूफ है, ये सबसे खास बात इसकी है कि टर्माइट प्रूफ ही रहता है। कॉन्स में यह है कि इसकी पेंटिंग वर्क आपको एक्स्ट्रा करवाना पड़ेगा। फ्रेमिंग आप एल्युमिनियम या जीआई, जो आप प्रेफरेबल हो वो करवा सकते हैं। जीआई इज बेटर ऑप्शन कॉस्ट वाइज एंड ड्यूरेबिलिटी वाइज। सरफेस पेंटेबल है, इसकी थिकनेस 6 mm to 12 mm आती है, 8 mm आप मोस्ट प्रेफरेबली यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है पीवीसी पैनल सीलिंग। ये ऑप्शन ऑल ओवर इंडिया काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, काफ़ी ट्रेंडिंग में है अभी। इसकी कॉस्ट इंस्टॉलेशन के साथ 110 rupees square feet है। डिज़ाइन बहुत सारे ऑप्शन इसमें है। आफ्टर लुक फोटो जो है, जो आप शेड फाइनल करोगे उस हिसाब से इसका लुक आ जाएगा और शेड कार्ड हम लास्ट में देख लेंगे। इसके प्रोस में इकोनॉमिक है, वंडर वुडन टाइप लुक आ जाता है इसमें, लुक आफ्टर लुक बहुत बेटर है, मेंटेनेंस फ्री आइटम है, मतलब बहुत ईजिली आप क्लीन कर सकते हैं। और इसकी जो मैक है वाइट रॉक नाम से अवेलेबल है मार्केट में, बहुत अच्छी क्वालिटी है उसकी। सरफेस पेंटेबल नहीं है इसका और स्पेसिफिकेशन ये 10 feet by 10 inch into 7 mm स्पेसिफिकेशन में पैनल आते हैं। पैनल में आपको ये इतने सारे जो शेड दिख रहे हैं, इसके सिवाय भी बहुत सारे शेड मिल जाते हैं आपको, क्रीम कलर में, वुडन कलर में, हॉट स्टैम्पिंग, वॉलपेपर डिज़ाइन, 200-300 से ज़्यादा डिज़ाइन मार्केट में अवेलेबल है और ग्रोइंग प्लेन, इस टाइप का आप लुक फाइनल कर सकते हैं। सीलिंग मटेरियल एंड इंस्टॉलेशन सर्विस के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप की लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। नेक्स्ट ऑप्शन है मेटल 84C सीलिंग। जैसे कि आप फोटो में देख सकते हो, इसका जो लुक है लीनियर टाइप में रहता है। इंस्टॉलेशन चार्जेस 220 rupees square feet है। लुक इसका काफ़ी बेटर है और सरफेस वेरी इजी टू क्लीन। और मैक की बात करें तो 3-4 कंपनीज इसे बना रही है। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है आप थिकनेस, जो पैनल आती है उसकी थिकनेस 0.4 or 0.5 mm थिकनेस में रहता है, 0.5 mm इज मच बेटर। एंड इसकी जो लेंथ है वो कस्टमाइजेबल होती है 1 feet to 16 feet और सम कंपनीज में अप टू 18 feet। और इसमें कलर के जो ऑप्शन आप देख सकते हो, पाउडर कोटिंग के हर कलर ऑप्शन अवेलेबल है और वुडन कलर में भी आप कोटिंग करवा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखे उससे पहले मैं चाहूँगा, अगर आपको कोई भी सीलिंग रिलेटेड क्वेरी हो या कोई पार्टिकुलर सीलिंग के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है सोफिट पैनल। ये वन ऑफ दी लग्जरी ऑप्शन है सीलिंग के लिए, जो अभी लेटेस्ट इनोवेट हुआ है। इसकी कॉस्ट 280 rupees per square feet है। इसके शेड और लुक की हम बात लास्ट में कर लेंगे। और इसका लुक है वुडन टाइप है, जो काफ़ी बेटर है और इसको इजी टू क्लीन सरफेस है, एलिगेंट लुक है, लग्जरी वुडन लुक इसमें आपको मिल जाता है। थोड़ा सा कॉस्टली है ये और जो मैक है इसका परे कंपनी और वॉक्स कंपनी इंडिया में अभी प्रोवाइड कर रहे हैं। जीआई की फ्रेमिंग आप कर सकते हैं जिप्सम बोर्ड की तरह, उसमें कोई एडिशनल फ्रेमिंग कुछ अलग जैसा कुछ नहीं होता। सरफेस पेंटेबल नहीं रहता है, 1 mm थिक ये रहता है और इसके ग्रोइंग के साथ इसकी थिकनेस बढ़ जाती है। 10 year वारंटी है कंपनी की तरफ से, तो ये काफ़ी एक अच्छा लग्जरी ऑप्शन है। कलर की बात करें तो ये आप शेड देख सकते हैं, वुडन में इस टाइप के आपको शेड मिल जाएंगे
और प्लेन या सॉलिड कलर में अगर आपको जाना हो तो आपको ये ऑप्शन मिल जाएंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, और सीलिंग के रिलेटेड आपको नेक्स्ट कुछ वीडियो देखने हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करके हमारी हेल्प कर सकते हैं। पेंटर, डिज़ाइनर, सीलिंग कॉन्ट्रैक्टर, क्लाइंट फॉर सीलिंग वर्क, और जिनके घर अंडर रिनोवेशन हो उन्हें आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं।